इंडिया ट्रू आज हम मौजूद हैं लोनी गाज़ियाबाद के एक अशोक विहार इलाके में, जहां पर एक ब्रांच है, एक ऑफिस है एंटी ऑर्गेनाइजेशन संस्था की। और यहां पर एक अहम मीटिंग, एक कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। और जैसे ही हमें पता चला एंटी क्राइम के बारे में, हम फौरन यहां पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष इनके बारे में जानने के लिए कि आखिर इस संस्था का क्या मिशन है, किस वजह से संस्था बनी है और इससे आने वाले टाइम में भारत को क्या सपोर्ट हो सकती है और भारत के नागरिकों को क्या सपोर्ट हो सकती है। आप हमारे चैनल के माध्यम से आज इसके बारे में जानेंगे। स्वागत है आप। नशा तस्करी का मामला हो, कभी भी नशा तस्करी जो है मुकम्मल तौर पर रुक नहीं पाई है यहाँ पर, और आप उसी चीज़ को एंटी क्राइम जैसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर लोनी जैसे इलाके में उतरे हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन आपका कितना साथ देगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर प्रशासन ही साथ दे तो फिर हम उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्राइम के खिलाफ है, यानी उसके एंटी है, तो हमारा तो प्रयास यही रहेगा कि हम क्राइम को किस तरीके से मेटें या ख़त्म करें जी। समाज में घुसें, समाज में जाएं, उनको समझाएं, उनको बताएं, और हमारा प्लान यही है कि किसी न किसी तरीके से हम भय मुक्त, अपराध मुक्त क्षेत्र क्या पूरे भारत को बना के और एक ऐसा झंडा गाड़ें जो कि हर आदमी सराहना करे। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये आपका आपने क्या इसके लिए योजना बनाई है? एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि योजना तो हम यही बनाते कि मैंने गवर्नमेंट ने भी हमें जो अधिकार दिए उनमें साफ लिखा है कि हम शासन प्रशासन के साथ मिलकर काम करें। पहली बात, अगर शासन प्रशासन हमें साथ देता है तो हम उनके लिए तैयार 24 घंटे खड़े रहेंगे और क्राइम को रोकेंगे। और सर, अगर शासन प्रशासन ही भ्रष्टाचार करता फिर क्या करेंगे? तो शायद हम उनके ऊपर भी कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा हम कुछ मतलब नहीं कर सकते हैं, करेंगे नहीं? हाँ करेंगे। अच्छा, बिल्कुल करेंगे जी। अभी हमने 85 केस दिए हैं मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने हमें किसी भी विभाग की जाँच करने का परमिशन दिया। देखिए, अभी अभी एक आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारा वायरल हो रहा है, कई सारे बड़े अखबारों ने भी डाला है कि लोनी के अंदर तकरीबन कई करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। जो नगर पालिका के ही द्वारा किया गया, नगर पालिका के अधिकारी को द्वारा किया गया है, तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप क्या करेंगे? भाई, जब लोग हमारे पास बताएंगे, हमें तो मालूम नहीं है, हम तो बाहर से आए, मेरा क्या पता है कि क्या हो रहा। अगर हमें बताएंगे और वो लिखित में देंगे तो हम उनके लिए मेहनत करेंगे, यानी उनके लिए भी आप लड़ाई लड़ेंगे, लड़ने का प्रयास करेंगे। स्वागत है मैडम आपका कि आप ये एंटी क्राइम से जुड़े हुए हैं। सर, मैम किस पद पर आप काम कर रहे हैं एंटी क्राइम में? मैं गाजियाबाद जिला से हूँ, जिला प्रभारी जी, जी महिला सेल से। अच्छा अच्छा, मुझे इसमें लगभग 5 साल हो गए काम करते हुए जी। और इसका, हमारा एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य ये है कि अपराधों को ख़त्म करना। कहीं पर भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं करती किसी अपराध से लड़ती हो, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपराधों से लड़ती है। और कहीं भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई नापतोल है, कोई मिलावट है, कोई रिश्वतखोरी है, उस पर अंकुश लगाती है। तो मैम, ये जो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं काफ़ी समय से और बढ़ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देखते रहते होंगे इस तरह के जो है महिलाओं का निकलना जो है दूभर हुआ हुआ है, तो आप एंटी क्राइम के जो है बैनर तले इसमें क्या करेंगे महिलाओं के लिए ऐसा जिससे उनको राहत मिले? महिलाएं तो हम ये कह सकते, यदि महिलाएं इकट्ठी होकर के हमारे पास कोई भी कंप्लेंट लिखित रूप में देती हैं और विद प्रूफ देती हैं, तो हम चौकी में, थाने में और डीएम के पास जा कर के, हर अधिकारी के पास हम उनकी आवाज़ उठा सकते हैं और उनके लिए हम लड़ाई लड़ सकते हैं, बट बिना किसी सबूत के नहीं। हाँ, क्योंकि सही बात है, महिलाएं भी कहीं ना कहीं बहुत सारे बेबुनियाद भी इल्ज़ाम आ जाते हैं सामने, वो बात ठीक है, लेकिन अगर कहीं आपको कोई भी प्रूफ मिलता है या कोई भी आपको टेक्निकल सबूत मिलता है तो आप उसके खिलाफ जो है काम करेंगे? हाँ, उसके साथ खिलाफ काम करेंगे। और जो भी अपराध बढ़ रहे हैं, नशाखोरी है, घरों में झगड़े हैं या कहीं दारू बिक रही है, क्योंकि हमने सुना है कि छोटी छोटी कॉलोनियों में, हम इधर नंदग्राम में बहुत शराब सप्लाई होती है और छोटे छोटे घरों में लोग, महिलाएँ खुद सप्लाई करती हैं। देखिए, एक बात तो यहाँ पर निकल के ये साफ़ आ रही है कि एंटी क्राइम जब काम करेगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पर जो नशा तस्करी कर रहे हैं और ये जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पर शराब बेच रहे हैं या फिर यहाँ पर स्पैंक बिक्री है आसपास कहीं भी लोनी के अंदर, उन्हें बिल्कुल सावधान होने। क्या नाम है सर आपका? एस के समानिया, डिप्टी डायरेक्टर दिल्ली प्रदेश। अच्छा डायरेक्टर साहब, आपको क्यों लगता है कि इस संस्था के साथ जुड़ के काम करना चाहिए, इस संस्था को आपको चलाना चाहिए? ऐसा है कि आजकल हम देखते आ रहे हैं कि जगह जगह व्यभिचार हो रहे हैं, अनाचार हो रहे हैं, उसके साथ हमें लड़ने की हिम्मत हमें आई है तो हमने इस संस्था में अपेयर हुए हैं और दिल्ली का जो डायरेक्टरशिप जो हमने संभाली है,
सर, कभी कभी ऐसा होता है कि संस्था का मकसद ये होता है कि अपने जो है बड़े बड़े वादे करके लोगों को सहानुभूति को जुटा लेते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है वो सारा जोड़ जाड़ के किसी बड़ी जो है वो किसी बड़े नेता के हाथ बेच दिए जाते हैं लोगों को, या फिर बड़े नेता को जो है वो बड़ी पार्टी को जो है वो सब भेंट चढ़ा दी जाती है। तो ऐसा तो कुछ मिशन नहीं है सर? नहीं, हमारी संस्था का जो मिशन है वो नेताओं से अलग है। अगर आपकी ये संस्था का कोई इलेक्शन लड़ने लगा फिर बाद में? कोई नहीं लड़ेगा। अच्छा, आपका ये सर इस्तीफा दे देगा? जी हाँ। ये लोगों को जानना जरूर। क्या नाम है सर आपका? एस के समानिया, डिप्टी डायरेक्टर दिल्ली प्रदेश। अच्छा डायरेक्टर साहब, आपको क्यों लगता है कि इस संस्था के साथ जुड़ के काम करना चाहिए, इस संस्था को आपको चलाना चाहिए? ऐसा है कि आजकल हम देखते आ रहे हैं कि जगह जगह व्यभिचार हो रहे हैं, अनाचार हो रहे हैं, उसके साथ हमें लड़ने की हिम्मत हमें आई है, तो हम इस संस्था में अपीयर हुए हैं और दिल्ली का जो डायरेक्टरशिप जो हमने संभाली है। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि संस्था का मकसद ये होता है कि अपने जो है बड़े बड़े वादे करके लोगों को सहानुभूति को जुटा लेते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है वो सारा जोड़ जाड़ के किसी बड़ी जो है वो किसी बड़े नेता के हाथ बेच दिए जाते हैं लोगों को, या फिर बड़े नेता को जो है वो बड़ी पार्टी को जो है वो सब भेंट चढ़ा दी जाती है। तो ऐसा तो कुछ मिशन नहीं है सर? नहीं, हमारी संस्था का जो मिशन है वो नेताओं से अलग है। अगर आप ये संस्था का कोई इलेक्शन लड़ने लगा फिर बाद में? कोई नहीं लड़ेगा। अच्छा, आपका ये सर इस्तीफा दे देगा? जी हाँ। ये लोगों को जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने सवाल किया सर, माफ़ी। मेरा नाम मोमिन है और मैं यहाँ पे नगर महासचिव के पद पे काम कर रहा हूँ जी, लोनी में जी। हमारी जो ये संस्था है ये गैर राजनीतिक है, इसमें कोई राजनीति का कोई दखल नहीं है। पार्टी कोई भी आए, कोई भी सरकार आए, हमारा जो संगठन है ये काम करता रहेगा और निस्वार्थ काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा देखिए, जिस तरह से ये एंटी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये बहुत एक जो इंडिया की बहुत एक संस्था है जो गवर्नमेंटेड संस्था है, उस गवर्नमेंटेड संस्था से बहुत कुछ हासिल कर चुके, बहुत रिलेटेड है, तो कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले टाइम में फिर जो है आप भी वर्दी पहन के एक माउज़र लगा के लोगों को लूटना शुरू कर दें? नहीं, हमारे पास में ऐसा नहीं है और एक सिक्योरिटी गार्ड का सिस्टम अलग से है हमारी संस्था के पास में। ऐसा सिक्योरिटी गार्ड भी एक फैक्ट्री में ट्रक घुसाने के पैसे ले लेता है ना? नहीं, वो देखो क्राइम तो हर जगह है, उस क्राइम से तो लड़ रहे हैं हम लोग। अच्छा। उस क्राइम से लड़ने के लिए तो संगठन मजबूत किया जा रहा है। कोई ऐसा विचार नहीं है कि आने वाले टाइम में संस्था से मजबूत होकर किसी का फायदा उठाएं? नहीं नहीं, हम तो फायदा करने के लिए, समाज का फायदा करने के लिए एक संस्था बना रहे हैं और फायदा उठाने के लिए नहीं। ठीक है कि यहाँ पर मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आसपास लोनी क्षेत्र के अंदर उन लोगों को बिल्कुल सावधान हो जाने की ज़रूरत है, या फिर क्षेत्र छोड़ के जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि एंटी क्राइम उन पर इतना ज़बरदस्त तरीके से काम करे कि उनका यहाँ पर रहना जो है तूबर हो जाएगा। आइए इसी सिलसिले में हम जानते हैं कि यहाँ के एक और पदाधिकारी हैं परमानंद जी, उनसे ही बात करते हैं, वो भी हमारे समक्ष हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू में। परमानंद जी, आप एक वेल कारोबारी व्यक्ति थे, यहाँ पे सम्मानित व्यक्ति हैं, आपको क्यों लगा कि आप एंटी क्राइम के अंदर जुड़े हैं? सर, मेरा नाम परमानंद शर्मा है, मैं एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का नगर प्रभारी हूँ और मेरा यह है कि मैं अशोक विहार में रहता हूँ, नगर का प्रभार है मेरे ऊपर, और मैं ये चाहता हूँ जैसे कि यहाँ पर जो बढ़ रहा है क्राइम उसको ख़त्म करना, रिश्वतखोरी है बहुत सारे यहाँ जो करेक्शन है इसको ख़त्म करना, प्रशासन के साथ मिलकर के हमारा जो कार्य है उसको आगे बढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य है। और प्रशासन के साथ मिलकर के हम इस लड़ाई को लड़ें, यहाँ से क्राइम को ख़त्म करें। यहाँ जुए है, शराब है, स्मैक बिकता है, बहुत सारी चीज़ें जो जनता यहाँ से परेशान है, और हम यही चाहते हैं कि इसको उखाड़ करके फेंकें और प्रशासन के साथ मिलकर के कार्य करें। ठीक है, धन्यवाद। तो देखा आपने, इस तरह से एंटी क्राइम ने अपने इरादे मजबूत कर लिए हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत भारी पड़े नशा तस्करों पर। आप बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू के साथ। मैं कैमरा पर्सन शुएब के साथ, पत्रकार फुरकान सलमानी, लोनी, गाज़ियाबाद।